मजदूरों का जो आलमी दिन है ये बहुत अच्छा एक इवेंट है जिसमें हमें इनको पहचानने का मौका मिलता है और इनकी सलाहितों को देखने का मौका मिलता है। आज एक खास दिन है खास लोगों के लिए। असल हीरो हमारे ये हैं। ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा इनसे रिश्ता है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक है। हम इनके दुख, इनके दर्द को, इनकी कमी को महसूस कर सकें तो मेरे ख्याल इनके मसाइल ही ख़त्म हो जाएं। और गजाली सिलसिले में जो किरदार अदा कर रहा है कि ये हमारे माशरे का जो एक इतना अहम मसला है उसको वो उजागर करते हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। दरअसल ये बच्चे जो हैं ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ नहीं है, ये बच्चे हैं विद पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़। आपका हाथ इन लोगों की तरफ बढ़े और आप इन्हें अपने साथ शामिल करके और मुल्क की और इनकी खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। जो बेसिकली मीडिया के थ्रू हमने एक मैसेज देना लोगों को कि गवर्नमेंट हो, मुखैर हजरात हो, लेकिन ये हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है जिसको अल्लाह ताला ने उस पर एहसान किया है, वो ब्लेस्ड है, अशाफिया से उसका ताल्लुक है, आगे आए। ये एहसास दिलाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने किसी को कोई खूबी दी है, किसी को कोई खूबी दी। हर पार्टी, हर जमात, हर तबके से बालातर हो के कौम के अपने इन बच्चों के साथ हैं। करो मेहरबानी तो महले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये माशरे के स्पेशल बच्चे हैं, लोग हैं, इनके लिए खसूसी एहतमाम होना चाहिए और गजाली हर साल इसके लिए खसूसी एहतमाम करता है। अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश होती है जिसे सोसाइटी मिलकर उनका साथ देकर उन्हें आगे बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ सोसाइटी को ये भी चाहिए कि जो आए दिन हादसात की सूरत में लोग मफलूज हो जाते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उसके लिए भी बंदोबस्त किया जाए। कुदरत तो हमारे एक इम्तिहान लेती है, हम खुद उस इम्तिहान में मुब्तला ना लोगों को कर दें। '95 में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने यह ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़े, और आज ऐसे ही हंसते खेलते बच्चों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए जिंदगी और इसकी हर चीज के मायने ही मुख्तलिफ हैं। इनके अपने गम हैं, अपने मुनफरिद सवालात और अपनी महदूद खुशियां हैं। ये खास बच्चे जिनसे मुंह फेर कर मुआशरा इनको मजीद तन्हा कर देता है, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट इनके रास्ते में रोशनी का वो दिया जलाता है जो इनको एक पुरएतमाद जिंदगी का रास्ता दिखा सके। ये पहले घर में था, कहना नहीं मानता था, इसे समझ नहीं आती थी बात की, लेकिन जब से हमने गजाली स्कूल में इसे दाखिल करवाया ना, अभी इसे सब कुछ पता, अभी इसका जहन भी आया, इसे सारा पता, भाई ना कोई बुला रहा नहीं बुला रहा, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, टेंशन थी, लेकिन अब तो भाई टेंशन खत्म हो रही है। इन तमाम काविशों के पीछे गजाली का मकसद यही है कि इन बच्चों के जहनों से एहसास कमतरी निकाल फेंके और इन्हें इस काबिल बनाए कि वो कंधे ऊंचे करके दीगर बच्चों से बात कर सकें, ख्वाब देख सकें और इन ख्वाबों की ताबीर का सोच सकें।